इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे। बूचा नरसंहार को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के संबोधन में यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूएन पर बरस पड़े। ज़ेलेंस्की ने पूछा, हमें सुरक्षा क्यों नहीं दे रहा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? ज़ेलेंस्की ने पूछा, अगर सुरक्षा नहीं दे सकते तो क्या आप यूएन को बंद करने को तैयार हैं? ज़ेलेंस्की ने यूएन महासचिव से पूछा, क्या इंटरनेशनल लॉ खत्म हो चुका है? यूएन चार्टर के आर्टिकल 1 के तहत हमारी सुरक्षा की जाए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि आर्टिकल 1 का मतलब होता है पीस और सिक्योरिटी। अगर रूस पहला आर्टिकल ही नहीं मान रहा तो बाकी आर्टिकल्स की जरूरत क्या है? ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुझे मालूम है कि रशिया और चाइना के पास वीटो पावर है और मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या आपको इस बात का इल्म है कि आज जो यूक्रेन के साथ हो रहा है, जो पूरी दुनिया में अनाज देता है, कल वो पूरी दुनिया में रिफ्लेक्ट करेगा, पूरी दुनिया में भुखमरी होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। ज़ेलेंस्की ने एक और बड़ा सवाल खड़ा किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, देन वेयर इज द सिक्योरिटी? सिक्योरिटी है कहां पर? आज पूरी दुनिया में सिर्फ बूचा की बर्बादी और तबाही की चर्चा हो रही है। जिस तरह सड़कों पर लाशें निकली हैं, बेसमेंट से डेड बॉडीज निकल रही हैं, और ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि यह सिर्फ एक जगह की कहानी है, यह सिर्फ एक जगह की कहानी है, अभी ऐसी और कई घटनाएं सामने आने वाली हैं। क्योंकि आपको सुनकर हैरानी होगी, हमारे जितने भी दर्शक हैं, बकायदा यूएन में कहा गया है, यूएन के अंदर, और मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्टिन ग्रिफिथ, यूएन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ चीफ, उनका यह कहना है कि मरियोपोल जो है, मरियोपोल इज द सेंटर ऑफ हेल, यानी जहन्नुम का सेंटर बन चुका है मरियोपोल। 1400 सिविलियंस की मौत हो चुकी है, उसमें 100 बच्चे शामिल हैं। मास ग्रेव्स की जानकारी सबको पता है बूचा में। इससे लगता है कि नागरिकों को चुन चुन कर टारगेट किया गया है, उन्हें टॉर्चर किया गया है, बच्चों तक को नहीं बख्शा गया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने जिन इलाकों में कब्जा किया है वहां पर हैवानियत के सबूत मौजूद हैं, और धीरे धीरे वो पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं। आज यूक्रेन के अटॉर्नी जनरल ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कीव के पास बूचा शहर में रूसी सेना ने एक टॉर्चर कैंप बनाया हुआ था। सिर्फ 34,000 की आबादी थी इस शहर की। इस टॉर्चर कैंप में 5 नागरिकों की बेरहमी से हत्या की गई। गोली मारने से पहले उनके हाथ पांव बांधे हुए थे, पीठ के पीछे। इस बीच यूक्रेन की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेजिया ने कहा है कि रूसी सेना के वॉर क्राइम को लेकर बहुत शॉकिंग खुलासे हो रहे हैं। लेजिया ने कहा कि रशियन आर्मी ने कई महिलाओं को टॉर्चर किया, उनका बलात्कार तक किया। यह भी जानकारी आ रही। इतना ही नहीं, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। यूएन की टॉप ऑफिशियल रोज़मैरी डी कार्लो ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अब से करीब 1 घंटा पहले कहा है कि अभी के जो हालात है उसको ऐसा देखकर लगता है कि रशिया ने कम से कम 24 बार बैंड क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। उनका यह भी कहना है कि रशियन फोर्सेस ने सेक्सुअल वायलेंस का सहारा लिया वहां पर। उनका यह भी कहना है कि यह सेक्सुअल वायलेंस यूक्रेन की फोर्सेस और सिविल डिफेंस मिलिशिया ने भी किया है। यूक्रेन की सांसद के मुताबिक महिलाओं की पीठ पर हिटलर की सेना वाला स्वास्तिक का निशान बना दिया गया। हालांकि यूक्रेन ने एक और चौंकाने वाला दावा किया। यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि बूचा में लोगों को मारने वाली रूस की 64th मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड थी। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि अब इन सैनिकों को बेलगोरोड शिफ्ट किया जा रहा है। इसके बाद 8 अप्रैल को ये फिर से फ्रंट लाइन पर भेजे जाएंगे, वॉर जोन में मौजूद रहेंगे। इसीलिए स्टोल्टनबर्ग ने कहा है नेटो की फोर्सेस को, नेटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका यह कहना है कि रशिया रीग्रुप कर रहा है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक पुतिन इन सैनिकों को वॉर जोन में दोबारा इसलिए भेज रहे हैं ताकि ये सारे सैनिक मारे जाएं और वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल के सामने गवाही देने वाला कोई भी ना बचे। बूचा में वॉर क्राइम को लेकर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का यह बयान आया है। उन्होंने कहा कि जो कुछ बूचा में दिखा वो कुछ भी नहीं है,
वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी टिप ऑफ द आइसबर्ग। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके पास ऐसी जानकारी है कि कीव से 74 किलोमीटर दूर बोडियांका शहर में बूचा से भी ज्यादा सिविलियंस को ब्रूटली असॉल्ट किया गया है, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। आज रशिया ने ओडेसा पर भी ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन के मुताबिक कम से कम 50 क्रूज मिसाइलों से अटैक किया, क्योंकि स्ट्रैटेजी वेस्टर्न इंटेलिजेंस की यह है कि वो चाहते हैं ओडेसा के स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशंस को तबाह कर दें, खासकर उनके फ्यूल टैंक जो कि यूक्रेन की आर्मी को सप्लाई करते हैं। अगर ओडेसा पर रूस का कब्जा हो गया तो फिर यूक्रेन का दुनिया से ट्रेड रूट कट जाएगा। 85% एक्सपोर्ट यूक्रेन का सिर्फ ओडेसा के पोर्ट से होता है। इसी तरह एक पोर्ट सिटी मरियोपोल पर भी रूस का एग्रेसिव असॉल्ट जारी है। जानकारी के मुताबिक अभी तक 90% सिटी पर रूस ने कब्जा कर लिया है, बल्कि ज़ेलेंस्की ने खुद कह दिया है कि मरियोपोल इज गॉन फॉरएवर। ओडेसा और मरियोपोल ऐसे शहर हैं जहां बर्बादी का मंजर सबने देखा है। मरियोपोल में तो अब भी करीब 1.5 लाख लोग मौजूद हैं। टू बी एग्जैक्ट, मरियोपोल के गवर्नर ने कहा है 1,30,000। कल सिर्फ 3,000 लोगों का इवैक्यूएशन हो पाया। सवाल है कि अब पुतिन डोनबास, मरियोपोल और ओडेसा पर फोकस क्यों कर रहे हैं? पुतिन यूक्रेन के लिए कौन सा नया मिशन तैयार कर रहे हैं? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।